नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं मनीष भदौरिया। देख शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों से। लखनऊ के लुलु मॉल में जहां एक तरफ नमाज पढ़ने के बाद अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शशि चतुर्वेदी ने मॉल के भीतर सुंदरकांड पढ़ने का ऐलान किया, तो वहीं पुलिस और मॉल प्रशासन के आग्रह पर उन्होंने पाठ को स्थगित कर दिया। वायरल वीडियो और तमाम मुद्दों को लेकर प्राइम टीवी ने अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शशि चतुर्वेदी से खास बातचीत की। आइए आपको सुनाते हैं। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी हमारे साथ हैं। बीते दिनों लखनऊ के लुलू मॉल में नमाज पढ़ी गई और इनके कार्यकर्ताओं ने तमाम विद्रोह किया और कल तक अल्टीमेटम दिया गया है प्रशासन को कि अगर गिरफ्तारी नहीं हुई तो आगे की कार्रवाई होगी। इसी सारे विषय में हमसे बात करने के लिए शिशिर जी मौजूद हैं यहाँ पर। शिशिर जी, आपसे बात करेंगे सबसे पहले कि कल क्या बात हुई थी लुलू मॉल में, जो नमाजें पढ़ी गई हैं उसको लेकर क्या प्रशासन से क्या कुछ बात हुई? देखिए, जो नमाज़ पढ़ी गई उसको लेकर के विरोध स्वरूप मैंने प्रार्थना पत्र गोल सिटी थाने में दिया था। उसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई के लिए बढ़ता, उससे पहले इन्होंने दूसरे फिर नमाज़ पढ़ी, तो उसके बाद ये हुआ कि प्रशासन के लोगों ने उनको बुलाया, उनसे पूछा ये कौन लोग हैं, तो उन्होंने कहा हमारे लोग नहीं हैं, पति कहाँ से आए थे, तो उन्होंने कहा तो आप भी प्रार्थना पत्र दीजिए उनके खिलाफ़। तो बॉल ने अपनी एप्लीकेशन दी और उनके ऊपर FIR दर्ज हुई। अब हमने ऐलान किया था कि अगर इनको नहीं पकड़ा जाता है तो हम सुंदरकांड करेंगे, तो प्रशासन लगातार मेरे संपर्क में था, उसने हमसे वार्ता की, तो हमने कुछ शर्तें रखी कि ऐसा है कि लुलु मॉल का जो प्रशासन है वो हमारे पास आए, उसकी उसको अपनी बात को उस अपना गुनाह स्वीकार करे, और उसके साथ जो लिस्ट है जो हमने लव जिहाद वाला आरोप लगाया था, तो जो कर्मचारियों की लिस्ट है वो लेके आइए आप, और जो एक पोस्टर वहाँ लगाइए कि यहाँ पर पूजा पाठ या नमाज इसलिए पूरी तरीके प्रतिबंधित है, यहाँ ख़रीदारी के लिए आइए, मौज मस्ती कीजिए, सैर सपाटा कीजिए और अपने घर को जाइए। तो ये जो बातें थी हमारी, उसको लेकर के प्रशासन ने लुलु मॉल को लेकर कल यहाँ पर आए थे आवास पर हमारे, और यहाँ पर आने के बाद उनसे हमारी वार्ता हुई, मुझे पूरी तरीके आश्वस्त किया उन्होंने, और उसके बाद हमने कहा कि ठीक है, हम जो सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं उसको हम स्थगित कर रहे हैं, ये और आपसे 2-4 दिन के अंदर आप जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित कीजिए जिन्होंने उत्तर प्रदेश के सरकार के नियमों की धज्जियां उड़ाई, क्योंकि योगी सरकार लगातार कहती आ रही है कि सार्वजनिक स्थल पे पूजा पाठ नमाज कुछ भी नहीं होगा। तो इस बात को लेकर के हम लोग आगे बढ़े थे और अब वेट कर रहे हैं कि जो गिरफ्तारियां हो जाए तब फिर बात आगे बढ़ेगी। शिशिर जी, आपने विरोध किया, तमाम जगह सोशल मीडिया पर ये वीडियोस वायरल हुई, उसके बाद लुलु प्रशासन ने एक नोटिस बोर्ड चस्पा किया है वहाँ पर कि इस एरिया में नमाज पढ़ना या फिर किसी भी धार्मिक कृत्य को करना पूरी तरह से मना है, और वहीं योगी जी का कहना है कि आप किसी भी जगह पर सार्वजनिक स्थान पर किसी भी तरीके की धार्मिक जो कृत्य है वो नहीं कर सकते, तो इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, यही बात तो मैं कह रहा हूँ कि लगातार जिस प्रकार योगी आदित्यनाथ जी ने और उनके ACS होम अवनीश अवस्थी जी ने, उप मुख्यमंत्रियों ने, सभी ने ये बात कह रखी है भाई अस्पताल में आप नमाज ना पढ़िए, क्योंकि अस्पताल जो है इलाज के लिए, स्कूल वहाँ शिक्षा के लिए, सड़क चलने के लिए, पार्क टहलने के लिए, इसी प्रकार से रेलवे स्टेशन वहाँ जो यात्री आते हैं उनके लिए, तो सार्वजनिक स्थल आपको पास ना करना, अपनी मस्जिदों में पढ़िए, अपने घर के अंदर पढ़िए, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, और ये समानता के आधार पर सभी धर्मों के लिए लागू होना चाहिए, क्योंकि जनता को परेशानी नहीं होनी चाहिए, किसी भी धर्म की उपासना से किसी दूसरे समुदाय को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वो व्यवस्थित अपने आप को खुद करे, देश के कानून के सम्मत वो कार्य करे, इस बात को नहीं करते तो हम लोग जैसे संगठन को मजबूरन आगे बढ़ना पड़ता है। शिशिर जी, अभी आपने एक आरोप लगाया था कि 80% लुलु मॉल में ये लोग हैं, 20% वो लोग हैं, इसमें कितनी सत्यता है? हमारी प्रशासन ने जो एप्लीकेशन दी हमने उसकी वो जांच कर रहे हैं, उस जांच में तथ्य आएंगे सामने, क्या सही है क्या गलत है। आरोप लगाना तो हमारा अधिकार है ना, अगर मेरे पास कोई सूचना आई, मैं नेशनल लीडर हूँ तो मैं उसकी जांच करवाऊंगा ना, तो हमने जांच करवाई, इसमें कौन सी गलत बात है? अब प्रशासन उसकी जांच कर रहा है, उनसे लिस्ट मांगी गई थी, कल लिस्ट लेके आए थे 1000 कर्मचारियों की, तो ये बात हुई कि इस लिस्ट को कैसे पढ़ा जाए, आप पूरे जाए आप खुद जांच कीजिए, तो अब वो जांच कर रहे हैं अपनी।
कल आपने जो सुंदरकांड का जो कार्यक्रम था, जो सुंदरकांड आपका पाठ पढ़ने वाले थे, आपने स्थगित कर दिया। प्रशासन ने आपसे अपील करी, लुलू प्रशासन ने आपसे अपील करी, उसके बाद भी चार लोगों की गिरफ्तारी हुई है लुलू मॉल के बाहर। इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, प्रशासन योगी जी का बहुत बेहतर कार्य कर रहा है, और चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, किसी को भी को देश का कानून को तोड़ने का कोई अधिकार नहीं है। समानता के आधार पर उन्होंने कार्रवाई की है, और जो लोग वहाँ गए वो उन अपने हिंदू भाइयों से भी मेरा कह रहा है कि सार्वजनिक स्थल पर पूजा पाठ बंद करें आप, जो है कानून सम्मत कार्य कीजिए। ठीक इसी प्रकार मुस्लिम भाइयों से भी मेरा कहना है। तो जो प्रशासन ने कार्रवाई की, जो नमाज पढ़ने गए थे उनको अरेस्ट किया, जो हिंदू पक्ष के लोग गए थे उनको भी उन्हें अरेस्ट किया। तो समानता के आधार पर कार्रवाई की उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार, और स्थानीय वहाँ अधिकारी राजेश श्रीवास्तव जी जो ADCP है, जो पूरे मामले को देख रहे हैं, बहुत ही अच्छे योग्य अधिकारी है, वो अपने हिसाब से बहुत अच्छी कार्रवाई कर रहे हैं। शिशिर जी, ये बताइए, गंगा जमुनी तहजीब मानी जाती है उत्तर प्रदेश की, क्या लगता है कि इन सब कृतियों को देखते हुए कि इस तहजीब पर कुछ हल्का फुल्का लांछन या सवालिया निशान पैदा हो रहे हैं? देखिए, कौन सी गंगा जमुना तहजीब, आप बताइए, एक धर्म के लोग करौली में मस्जिद से बम और गोली चला रहे हैं, कश्मीर में बुरका पहन के बम और पत्थर चला रहे हैं। ठीक है, बुरका का गलत इस्तेमाल, मस्जिद का गलत इस्तेमाल, मदरसे में, मजार के अंदर, अभी आपने देखा अजमेर दरगाह के अंदर क्या हुआ, वहाँ से अपील की जा रही है हिंदुओं से कि दुकानों से सामान मत खरीदो। तो ये कौन सी गंगा जमुना तहजीब का ये लोग बात कर रहे हैं? धर्म के आधार पर देश को बंटवा लिया, और उसके बाद भी आज भी वही कृत्य पर जारी किए हुए हैं। नुपुर शर्मा ने कोई बयान दिया, उससे पहले तस्लीम रहमानी ने बयान दिया, उन पर कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि नुपुर शर्मा माफ़ी मांगे और तस्लीम रहमानी की बात नहीं करेंगे। तो ये दोहरा जो चरित्र है ये देश देख रहा है, और नुपुर शर्मा ने माफ़ी मांगी उसके बाद भी उसको नहीं क्षमा कर रहे, गर्दन काटने की मांग कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि गर्दन काटेंगे, कई गर्दनें काटी गई। तो कौन सा भाईचारा, कौन सा गंगा जमुना तहजीब? तो मेरा कहना है, कुछ अच्छे लोग हर धर्म में होते हैं, कुछ बुरे लोग हर धर्म में होते हैं, लेकिन यहाँ तो दिक्कत ये है कि जो बुरा काम कर रहे हैं उसको उनके धर्म वाले उसके खिलाफ अपील भी नहीं करते हैं, उसके लिए बात भी नहीं। टीवी चैनलों पे आएंगे तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें करेंगे, लेकिन असलियत कुछ और है। जब धार्मिक स्थल पे ये भीड़ के रूप में इकट्ठित होते हैं तो भीड़ के साथ निकलते हैं जुम्मे के दिन, और वहाँ पर बम गोली पथराव, दुकान कब्जा करना, हिंदुओं की संपत्तियों को जलाना, देश की संपत्ति को जलाना, तो ये कौन सा भाईचारा है? तो कड़ी कार्रवाई ही एक इसका विकल्प है। पहली घटना जैसे कल लुलू मॉल में घटी थी परसों, अगर पहली कार्रवाई हो जाती तो दूसरी घटना ना होती। हिंदूवादी संगठनों को मजबूर होकर ऐलान करना पड़ा हम सुंदरकांड करेंगे, तो प्रशासन जागा और कड़ी कार्रवाई के लिए आगे बढ़ा। अभी स्टेशन पर भी एक वीडियो वायरल हुआ हो रहा है, आप शायद उसी विकल्प उसी को लेकर आप आज GRP के अधिकारियों से मिलने जा रहे हैं, क्या कुछ वो वीडियो में कितनी सत्यता लग रही है आपको? देखिए, मजार जिहाद स्टेशन पे, लखनऊ स्टेशन पे बहुत बड़ी मजार अवैध रूप से बनी हुई है, खम्बन पीर की मजार जिसको कहा जाता है, वहाँ पर अवैध रूप से घुसपैठिए बांग्लादेशी लोगों को वहाँ शरण दी जाती है। स्टेशन पे बिना टिकट प्लेटफॉर्म टिकट लिए वो लोग घुसते हैं, और वहाँ पर चाय बिकवाना, बन मक्खन समोसा ये सब बिकवाने के सारे कामों को बांग्लादेशी कर रहे हैं। अवैध रूप से ऑटो स्टैंड कब्जा कर रखा है, टैक्सी स्टैंड कब्जा कर रखा है। तो मजार की आवाज़ में बहुत से गलत कार्य हो रहे हैं। पूर्व में वहाँ के जो कर्ता धरता हैं वो गाड़ी चोरी में भी जेल जा चुके हैं। तो ऐसे कृत्यों को रोकने के लिए मजार जिहाद, स्टेशन पे नमाज जिहाद, इसके खिलाफ हम आज प्रार्थना पत्र वहाँ के जो ACP है संजीव सिन्हा जी, उनको आज मैं ज्ञापन दूंगा और जा रहा हूँ, उनसे वार्ता करूंगा। आज से 1 बजे करीब वहाँ मैं पहुँच जाऊंगा और अपनी बात को वहाँ रखूंगा आप लोगों के साथ। शिशिर जी, आखिरी सवाल ये था कि आप लोग की महासभा की एक मांगे थी कि जो लुलू मॉल में जो भी कृत्य किया गया उसके बिहाव पे अगर गिरफ्तारियां नहीं होती हैं तो फिर आप लोग की महासभा का अगला विकल्प क्या होगा? हमने सुंदरकांड का पाठ जो है वो स्थगित किया है,
निरस्त नहीं किया है। हमारी ये मांग है कि एक हफ्ते के अंदर इनको दोषियों को पकड़ा जाए और उन पर कार्रवाई हो जाए जिससे आगे और घटनाएं ना बढ़ें। तो एक हफ्ते का समय अभी हम बाकी है, तो उसमें हम लोग इंतज़ार करेंगे। और हमारा ये मकसद नहीं है कि कानून को अपने हाथ में लिया जाए, कानून सम्मत हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और संविधान पे हम लोग का पूरा भरोसा है। देखते हैं आगे क्या होता है, योगी जी की सरकार क्या कड़ी कार्रवाई करती है इसमें। बाबा जी का बुलडोजर को मैं देखना चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ अवैध ये धार्मिक स्थल है इन पर क्या करते, क्या कार्रवाइयाँ करते हैं, ये सब देखा जाएगा आगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि उन्हें कानून से पूरी उम्मीद है और योगी सरकार से पूरी तरह से वो उम्मीद है और कानून को वो साथ में लेकर चलेंगे। कैमरामैन शुभम के साथ सागर थापा, प्राइम टीवी, लखनऊ। सोनभद्र में थाना कर्मा क्षेत्र के मोती सिंह इंटर कॉलेज घोराहरा कर्मा में मिशन शक्ति के तहत अभियान चलाया गया, जिसमें महिलाओं और लड़कियों को जागरूक किया गया। अभियान में महिलाओं की सुरक्षा संबंधी अधिकारों के बारे में बताया गया, इसके साथ ही साइबर अपराधों के बारे में भी जानकारी दी गई। उन्होंने कई सरकारी नंबरों, कल्याणकारी योजनाओं, महिला संबंधी मामलों को निपटाने के लिए जागरूक किया गया। अगली खबर फरुखाबाद से, जहां समाधान दिवस में अमृत तहसील परिसर में प्रार्थी और लेखपाल के बीच धक्का मुक्की हुई। वहीं प्रार्थी का आरोप है कि लेखपाल की घूस मांगने की शिकायत करने पर लेखपाल मारपीट पर उतारू हो गया। वहीं मामले में सीडीओ ने एसडीएम को जांच कराने का आश्वासन दिया। आपको बता दें कि तहसील अमृतपुर की सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हैं, जिसके चलते कर्मचारी दबंगई पर उतारू रहते हैं। मामला शाहजहांपुर के पोवाया रोड स्थित बाई बाग पावर हाउस का है, जहां गांव में शहनवाज नगर में कई ग्रामीण पूर्व प्रधान सैयद खां के नेतृत्व में इकट्ठा हुए और गांव में बिजली पहुंचाने की मांग कर रहे धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान पूर्व प्रधान सैयद खां ने बताया कि पूरे गांव में अंधेरा छाया हुआ है, एलटी लाइन का खंभा अंजुमन अंसारी के मकान के पास नीचे से टूट गया है, वहाँ पर दूसरा खंभा भी लगाया गया लेकिन अभी तक उसमें लाइन जोड़ी नहीं गई है, जिसकी वजह से पूरा गांव अंधेरे में रहने को मजबूर है। कई बार विभागीय अधिकारियों को अवगत कराया गया लेकिन कहीं भी सुनवाई का नहीं की गई, जिसके कारण आज वह धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान गांव के दर्जनों ग्रामीण वहां मौजूद रहे। 26,772 की आबादी है, कम से कम हमारे गाँव में 30 से 35 ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, उसके कारण देखते हुए ना तो गांव के अंदर सप्लाई आ पा रही, ना गांव के बाहर जो खेत हैं वो भी सप्लाई उनको नहीं हो पा रही है। केबल फूका पड़ा हुआ रेलवे किनारे, वो भी आज तक जो है कम से कम 3 महीने से आज तक वो केबल नहीं बदला गया। और जो है हमारे शाहबाज नगर में 250 ट्रांसफार्मर कने, 250 केवी के ट्रांसफार्मर कने एक खंभा टूटे हुए थे, 8 महीने हो गए हैं, वो एक सीढ़ी पर टिका हुआ है, आज तक वो खंभा नहीं बदला गया और कोई भी उसमें बहुत तगड़ा हादसा हो सकता है। एक हमारे गांव में 11,000 की लाइन निकली हुई है, बहुत नीचे तार हैं, कई बार अधिकारियों को बता चुके हैं कि एक खंभा लगा के इसको लाइन ऊंची कर दीजिए, कोई भी हादसा हो सकता है, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं दी जा रही। गाजियाबाद के खोड़ा कॉलोनी क्षेत्र में जरा सी बारिश के बाद रोड जगमगन हो गई। जानकारी के मुताबिक जिसकी शिकायत कई बार नगर निगम को की जा सकी है लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। वहीं पर नोएडा गाजियाबाद बॉर्डर की वजह से अधिकारी अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आए। समय मैं गाजियाबाद के खोड़ा कॉलोनी पे स्थित हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं ये जल भराव, जरा सी बारिश में ये रोड पूरा जलमग्न हो गया है। यहाँ पर लोगों का आना जाना काफ़ी परेशानी भरा दिख रहा है। देखिए यहाँ पर कुछ बच्चे हैं जो कि गर्मी की वजह से काफ़ी परेशान थे या उमस भरी गर्मी से, तो बच्चे भी उस पानी में नहाते हुए दिख रहे हैं और तस्वीरें आपको उधर भी दिखाऊंगा। देखिए वहाँ पर भी खासा बच्चे जो हैं इस पानी में, जो कि ये गंदा पानी है, नाले से गुजरता हुआ जलभराव की स्थिति में। ये खोड़ा का वो सड़क है जो कि खोड़ा कॉलोनी के थाना क्षेत्र में पड़ता है और आप देख सकते हैं ये जलभराव की स्थिति है। यहाँ पर लोग खासा, यहाँ पर कुछ बच्चे हैं जो उत्साहवर्धक, जो कि यहाँ पर जो एंजॉय कर रहे हैं नहाने का, क्योंकि काफ़ी समय से यहाँ पर गाज़ियाबाद में काफ़ी समय से यहाँ पर बारिश नहीं हो रही थी, जहाँ एक तरफ बारिश हुई है लोग खासा खुश भी नज़र आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जलभराव की स्थितियाँ बनी हुई हैं, तस की तस हैं। बात की जाए नगर निगम की तो नगर निगम किसी तरह से यहाँ पर किसी भी प्रकार से कोई कार्रवाई करता हुआ नहीं दिखता है, क्योंकि ये स्थिति जब जब यहाँ बारिश होती है तभी यहाँ से चालू हो जाती है, लोगों का खासा निकलना यहाँ से परेशानी हो जाती है। और बच्चों को देख सकते हैं, बच्चे कितने खुश नज़र आ रहे हैं, बच्चे नहा रहे हैं इस पानी के अंदर में, लेकिन कहीं ना कहीं बीमारियों का कारण है ये पानी जो है।
जलभराव की जो स्थिति बनी है यहाँ पर, ये पानी गंदा पानी है जो नालियों से जो गुजरता हुआ रोड पर आता है, और ये नाली की स्थिति इस तरह से बनी हुई है काफी समय पहले से। गाजियाबाद से प्रवीण मिश्रा, प्राइम टीवी के लिए। फतेहपुर में खागा कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में पिता ने 13 साल की बेटी के साथ दुष्कर्म किया। घटना की जानकारी परिजनों को होते ही आरोपी पिता से मौके से फरार हो गया। फिलहाल परिजनों ने पुलिस से में शिकायत कर दी गई है, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। जनपद फतेहपुर थाना खागा के गांव की एक महिला द्वारा थाना पर प्रार्थना पत्र दिया गया कि कल 15 जुलाई को समय करीब 12 बजे थी जब वह धान लगाने के लिए चली गई थी। उसके पति के द्वारा उसकी 13 वर्षीय बेटी के साथ दुष्कर्म किया गया तथा घर से भाग गया है। इस सूचना पर थाना खागा पर तत्काल समुचित धाराओं में अभियुक्त कर पीड़िता को चिकित्सा परीक्षण के लिए भेजा गया है। घटनास्थल का निरीक्षण कर लिया गया है। आरोपी की तलाश की जा रही है। शिवरतनगंज थाना क्षेत्र के इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप सरैया के पास एक खंडहर में लगी अवैध शस्त्र फैक्ट्री का फंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने इस अवैध शस्त्र फैक्ट्री का खुलासा करते हुए 10 अवैध तमंचे, 10 जिंदा कारतूस और शस्त्र बनाने के उपकरण के साथ 2 शातिर तमंचा कारीगर और तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। एक अवैध असलाह फैक्ट्री और उसके साथ 2 शातिर अपराधियों का गिरफ्तारी किया है। अभी ये दोनों को जेल भेजा जा रहा है। ये एक का नाम है कुलदीप तिवारी है, ये शिवरतनगंज थाना रहने वाले हैं। इनके खिलाफ ऑलरेडी 12 मुकदमे हैं इस जिले में, और दूसरा का नाम है जिब्राइल है, इनके खिलाफ भी कई मुकदमा है। ये दोनों को कब्जे से 10 अदद तमंचा, इसमें 315 बोर का भी है, 12 बोर का भी है, और 10 का लाइव कारतूस भी बरामद किए। बलिया के शिक्षा क्षेत्र चिलकहर के प्राथमिक विद्यालय कलना पर तैनात शिक्षक मनीष यादव के तबादले के बाद विद्यालय पर विदाई समारोह का आयोजन किया गया। विदाई समारोह के दौरान बच्चे अपने आंसू रोक नहीं पाए, शिक्षक को पकड़कर फूट फूट कर रोने लगे। रोते हुए बच्चों ने कहा कि सर जी हमें छोड़कर मत जाइए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कानपुर के बिल्लौर स्थित पंत नगर मोहल्ले में देर रात एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के 2 सगे भाइयों समेत 3 लोगों पर 20 सड़क पर तलवार और चाकू से हमला कर दिया, जिसके साथ ही साथ दबंगों ने पीड़ित को 500 मीटर तक पीटते हुए ले गए। इतना ही नहीं, पीड़ितों ने उत्पाती युवकों पर धार्मिक उन्मादी नारे लगाने का भी आरोप लगाया। सूचना मिलते ही बिल्लौर CO राजेश कुमार, थाना अध्यक्ष अरविंद सिंह सिसोदिया, SDM बिल्लौर आकांक्षा गौतम भारी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर मौजूद है। इसके साथ ही दोनों थानों पर फोर्स और कई कंपनियों के PSC भी मौजूद है। फिलहाल पुलिस ने 6 हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तारी के बाद हिरासत में लेकर पूछताछ हो रही है। इस घटना में 16 नामजद समेत 60 अज्ञात हमलावरों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है। कल देर शायम 8:30 बजे एक पक्ष के कुछ लड़के मार्केट में फास्ट फूड खा रहे थे। उनमें से एक लड़की का अपने एक साथी से, जो उसी के साथ कक्षा में पढ़ता है, उससे पूर्व का विवाद था। कक्षा के बीच में कुछ विवाद हुआ होगा। दूसरे पक्ष के लड़के आए और उन लोगों ने उस विवाद के कारण यहाँ पे आके इस पक्ष के लड़कों के साथ मारपीट शुरू कर दी, जिसमें 3 लड़कों को चोटें आईं। गाजियाबाद के खोड़ा थाना क्षेत्र के प्रेम विहार इलाके में आज बारिश हुई, जिसकी वजह से एक बड़ा हादसा हुआ, जहां एक कावड़ के गोदाम में छत अचानक गिर जाने से कई मजदूर घायल हो गए। घायलों को पास के एक निजी अस्पताल में एडमिट कराया गया, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। बता दें कि गोदाम की छत गाटर पटरी से बनी हुई है और आज इस इलाके में बारिश के बाद अचानक भरभरा के नीचे गिर गई। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। दवाल अपने से बारिश हुआ पर गिर गया, दब गया। कितने लोग थे आपके पास? हो गए 9 थे, 9-10 थे। आपको क्या घर गया था? खाना खा आप लोग काम कर रहे थे, क्या कर रहे थे? खाना खा रहे थे। बरसात के बाद छत गिरी है। कितने लोग थे आप लोग? ये 5-7 थे। क्या कर रहे थे उस वक्त आप लोग? खाना लंच कर रहे थे खाने में।
ये जो कबाड़ का गोदाम है इसका मालिक कौन है? सतेंद्र। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहे प्राइम टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस